हाय गाइस, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में। मैं आपको आज इस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि पहले जो MBBS के बच्चे जो पास करते थे, जो नीट PG के लिए एग्जाम होता था, उसको नेक्स्ट ने रिप्लेस कर लिया है। आप इस वीडियोज में देख सकते हैं कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये साफ साफ फैसले की जानकारी दी है, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये बहुत ही लोगों के लिए, अभी क्या हो रहा है, नीट भी हो रही है और नीट के अलावा ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल की भी एग्जामिनेशन होती है, एंट्रेंस टेस्ट मल्टीपल है, अब सबके लिए नीट होगी और एक नई परीक्षा का सृजन किया है, एग्जिट एग्जाम होगी एक, और एग्जिट एग्जाम से उनको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। अब ये हुआ कि जो पहले नीट का PG एग्जाम होता था वो अब नेक्स्ट एग्जाम होगा, वो बच्चे के MBBS के फोर्थ ईयर में उसको एग्जाम अपीयर करना पड़ेगा और नीट की स्कोर, नेक्स्ट के स्कोर पे ही आप जो पासिंग आपका जो मार्क्स आएगा उस पे आपका PG का एडमिशन होगा और आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे कि आप और भी न्यूज में देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक हेडलाइंस पढ़ के बता रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्ट्री प्रपोजेज टू स्क्रैप नीट PG MBBS फाइनल एग्जाम्स प्री रिक्विजिट्स फॉर एडमिशन टू MD एंड MS। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट विलिंग है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए इन इंडिया आफ्टर द MBBS, उनको नीट PG को के बदले अपने हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बिल प्रपोज किया है जो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। आप उसके ही थ्रू PG में भी आपका एडमिशन हो जाएगा और आप इंडिया में भी उस पास करने के बाद वो एग्ज़ाम इंडिया में भी प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो ये अगर माना जाए तो ये एक ईजी वे भी है कि आप एक एग्ज़ाम से आपका दो काम हो रहा है, आपको पास भी हो जा रहे हो और आप इंडिया में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आप अगर MBBS प्लान कर रहे हो तो ये सब चीज़ आप दिमाग में रखिए और भी न्यूज़ देखिए कि क्या अपडेट्स आ रहे हैं, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। और आप मत भूलिएगा हम लोग के चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन प्रेस करने के लिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट आएगा वो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि आप अपना MBBS कैसे प्लान करें, वो वीडियोज़ देखें और इन्फॉर्मेशन लेके।